क्यों है ये इम्पोर्टेंट? नाउ द क्वेश्चन इज लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी. नाउ इफ यू एक्सटेंड दिस ए बी टू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है आपके पास? ई. एंड इफ यू एक्सटेंड दिस ए सी अप टू पॉइंट डी. ओके, लेट्स से बी ओ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ई बी सी and CO is the angle bisector of DCB. These two bisectors meet at point O. This is the question, okay? ये आपके पास question है. Now, you need to calculate angle BOC. ये आपको बेटा prove करना है. This thing you need to prove that angle BOC is equals to 90 minus angle BAC. BAC divided by क्वेश्चन फिर से देखिए बेटा, आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है? एबीसी में बेटा आपने बी को इधर देखो बेटा, पहले एबीसी आपके पास एक ट्रायंगल है, एबी साइड जो है बेटा आपने उसको एक्सटेंड किया अप टू पॉइंट ई, आपने उसको आगे की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है? सिमिलरली आपने बेटा एसी साइड को अप टू डी पॉइंट तक आपने उसको बढ़ा दिया, ठीक है? नाउ अब बेटा ये जो कंप्लीट एंगल होगा ईबीसी, दिस एंगल, ठीक है? और ये जो ओबी है, ओबी क्या है बेटा? इसका एंगल बाइसेक्टर. So OB is the angle bisector of EBC. That means these two angles are equal to one another. The angle bisector of EBC is equal to one another. If I am saying that OB is the angle bisector of CDE, that means this angle is equal to this angle, right? Similarly, OC is the angle bisector of DCB. That means this angle, this line is bisecting this angle in equal halves, right? That means these two angles are also equal. Now, let's say this angle is B, let's say this angle is C, let's say this angle is A, then it is forming a straight line, angle on a straight line. That means this complete remaining angle, this one, is equals to 180 minus B. Beta, 180 minus B होगा ना? मैंने कहा, let's say this is a straight line, ये आपकी straight line है. So obviously अगर ये एंगल आपके पास b है, so ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा आपके पास? 180 माइनस b, बेटा 90 आपको कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा. ये 180 माइनस b तो आएगा बेटा, you said 180 माइनस b. सिमिलरली if this angle is c, then this remaining angle must be equals to 180 माइनस c, linear pair angle 180 माइनस c. So you can write let angle ABC, okay, let's say B, CBE, CBE is equals to, then don't need to write let, 180 minus B, reason, linear pair angle, okay, linear pair angles. Similarly, you can write DCB, angle DCB is equals to DCB is equals to 180 minus C. Again, the reason is linear pair angle. Any doubt in this point? Any doubt in this point? And better please don't write while I'm teaching. So this is the linear pair angle. Now, these two angles are equal, or I can write 180 minus B is equally divided between these two angles, right? अगर एंगल बाइसेक्टर है, दैट मींस जो भी आपके पास बेटा एंगल होगा, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा ना बेटा इन दोनों में. सो कैन आई राइट ई बी ओ, सो कैन आई राइट ई बी ओ इज इक्वल्स टू ओ बी सी. ई बी ओ इज इक्वल्स टू ओ बी सी होगा बेटा, ओ बी सी. एंड ये होगा कितना बेटा? हाफ ऑफ ई बी सी, हाफ ऑफ इधर यू कैन राइट ईबीसी और यू कैन राइट सीबीई. एंड बेटा सीबीई की वैल्यू कितनी है आपके पास? हाफ ऑफ 180 माइनस बी. सो बेटा इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 180 डिवाइडेड बाय 2 माइनस बी बाय 2, और यू कैन राइट 90 माइनस बी बाय 2 लिख सकता हूं बेटा. सो ये वाला एंगल मेरे पास कितना आ गया बेटा? 90 माइनस बी बाय 2. एंड बेटा ये वाला एंगल मेरे पास कितना आ गया? 90 माइनस बी बाय 2. अगर आप b प्लस 90 माइनस बी बाय 2 प्लस 90 माइनस बी बाय 2 को पूरे को ऐड कर देंगे, व्हाट यू विल गेट? 180 डिग्रीज.
ठीक है. नाउ सिमिलरली दिस इज 180 माइनस सी, सो आई कैन राइट डी सी ओ एंगल डी सी ओ इज इक्वल्स टू ओ सी बी, और यू कैन राइट बी सी ओ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल डी सी बी. सो यू कैन राइट हाफ ऑफ 180 माइनस एंगल सी. सिमिलरली यू कैन राइट 180 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एंगल सी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 90 माइनस एंगल सी बाय 2. बेटा इसे आप अग्री करते हो, दैट मींस बेटा ये वाला एंगल भी आपके पास आ गया 90 माइनस सी बाय 2, एंड बेटा ये वाला एंगल भी आपके पास आ गया 90 माइनस सी बाय 2. मैं किन एंगल्स की बात कर रहा हूं बेटा, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल. Why these two angles are equal? Because this is given in the question that CO is the angle bisector and BO is the angle bisector. That's why I can say that these two angles are equal to one another. Okay, beta? Now consider this triangle. Now consider this triangle BCO. I have these two angles, so can I calculate this angle? Yes, sir. Using Angle-sum property. So first, note down to this point, then I will rub this part and continue with the rest of the solution. So this you need to prove. Now in triangle OBC, in triangle OBC, ठीक है बेटा, OBC triangle में अगर आप देखें, so you have two angles and need to calculate this angle, okay beta? So आप कहेंगे BOC, angle BOC plus 90 minus B by 2 plus 90 minus C by 2, correct, is equals to 180 degrees. Reason is angle sum property, angle sum property, okay beta? Now 90 plus 90 will give 180. So I can write angle BOC plus 180 minus B by 2 minus C by 2. लिख सकता हूँ बेटा. But आपने देखा जो proof है उसमें जो angle BOC है वो LHS में ही है बेटा. LHS में अगर आप देखो बेटा angle BOC अकेला है, ठीक है? Okay. अब इस part को रब कर दूँ. Shall I rub this part? Yes, sir. Okay. Now, now angle BOC, बेटा जितनी भी टर्म मेरे पास LHS में है, I am transposing it to RHS. मैं उसको RHS में ट्रांसपोज कर रहा हूँ. So 180 यहाँ पे पॉजिटिव है, so RHS में लेके आऊँगा, it become minus 180, right? So 180 जो already था मेरे पास, and minus 180 जो LHS से लेके आया बेटा. Here I have minus b by 2 and minus c by 2. So after transposing it to RHS, it becomes plus b by 2 and plus c by 2. बेटा इससे agree करते हैं आप लोग? ठीक है. So 180 से 180 cancel out हो गया बेटा. So you will get angle BOC is equals to b plus c by 2. Can I write like this? Any doubt at this point? No. In triangle ABC, in triangle ABC. बेटा इस ट्रायंगल में अगर आप देखो तो a plus b plus c it will give you equals to 180 degrees. आप कहेंगे angle a plus angle b plus angle c is equals to 180 degrees. Any doubt? Now b plus c मैं as much यहाँ पर रख देता हूँ. Reason क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ बेटा, the reason is जो मुझे प्रूफ चाहिए उसमें मुझे एक तो एंगल बी ओ सी चाहिए और एक मुझे एंगल चाहिए एंगल ए. सो बेटा मैंने यहाँ पे बी प्लस सी को एज इज विद आरएचएस मैंने पुट करा एंड 180 माइनस ए. ठीक है बेटा, ठीक है. नाउ मुझे बी ओ सी, सो दिस लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2. सो बेटा बी प्लस सी के प्लेस में मैं 180 माइनस ए लिख सकता हूँ. कैन आई राइट इन प्लेस ऑफ बी प्लस सी, कैन आई राइट 180 माइनस ए? सो you can write BOC is equals to, in place of B plus C, I'm going to put 180 minus A divided by 2, correct. Now, angle BOC can be written as 180 divided by 2 minus
एंगल ए, व्हाट इज एंगल ए, बी ए सी इज एंगल ए, बी ए सी डिवाइडेड बाय 2, दिस गिव्स यू 19, सो यू कैन राइट एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 19 माइनस एंगल बी ए सी डिवाइडेड बाय 2, हेंस 2, ठीक है बेटा, एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट पीपल आर फ्री टू आस्क मी, डोंट हेसिटेट व्हाइल आस्किंग एनीथिंग, अगर बेटा आपको कुछ भी कोई भी पॉइंट ऐसे समझ में नहीं आया तो पूछते समय हेसिटेट मत करना, बस इन डिसिप्लिन पर करना क्लास में, बाकी आप एक क्वेश्चन को 10 बार पूछो कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम रहेगा मैं 10 बार बताऊंगा और जो लिमिटेशन होगा टाइम का बेटा ये है मुझे कोर्स भी कंप्लीट करना है, ठीक है, सो यही रीजन है कि आज मुझे एक्सरसाइज को रैप अप करना ही पड़ेगा, ठीक है, सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट विद ट्रायंगल्स, ओके, नोट कीजिए बेटा इसको, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एक्सरसाइज 6.3, यू हैव अ ट्रायंगल पी क्यू आर, इफ पी क्यू इज एक्सटेंडेड अप टू एस एंड क्यू आर इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट टी, एस पी आर फॉर्मिंग एन एंगल 135 डिग्रीज एंड पी क्यू टी इज फॉर्मिंग एन एंगल 110 डिग्रीज, यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी आर क्यू, सो हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बेटा पी आर क्यू, PQ PQ P SPR ओके लीनियर पैरेलल ओके करेक्ट देन करेक्ट एनी अदर आंसर बाय एनी स्टूडेंट यस करेक्ट करेक्ट नाउ वी कैन सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन बेटा दिस इज अ स्ट्रेट लाइन सो इट विल मेक एन एंगल 180 डिग्रीज सो कैन आई राइट PQR can I write like this angle PQR is equals to 180 minus 110 and is equals to 70 degrees and the reason is linear pair angle they are forming a linear pair angle any doubt no similarly SPQ SPQ again is a straight line so can I write QPR Q P R is equals to 180 minus 135, which is equals to 45 degrees, with the same reason linear pair angle. बेटा अभी देख लो अभी हम लोगों का कीजिए आप लोग ठीक है प्लीज डोंट राइट वाला टीचिंग इट इज फॉर यू ओनली बेटा इधर देख लीजिए एंगल पी क्यू आर दिस इज 180 माइनस 110 द रीजन इज दीज टू एंगल्स आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर Similarly, angle QPR can be calculated like 180 minus 135 which is equals to 45 degrees. The reason is same linear pair. Now, you have this angle 70 degrees, you have this angle 45 degrees. Now, can you calculate this angle? Yes, sir. With angle circumference. Right. So, you can write in triangle, even you have another method of solving this angle, I will let you know later, okay? So, in triangle PQR, In triangle PQR, you can write angle 45 plus angle 70 plus angle PRQ is equals to 180, and the reason is angle sum property. Angle sum property of triangle. Okay, angle sum property. Angle sum property. Now 70 plus 45 will give you 115 plus angle PRQ. Is equals to 180 degrees, so angle PRQ is equals to 180 minus 115, which is equals to 65 degrees. Okay, beta? Any doubt? ठीक है, एक method तो ये हो गया, there is one another method. इसी angle को calculate करने का एक और method है. ठीक है ये, तो आप use कर सकते हैं. अगर आपको doubt लगे, छोड़ दीजिए. देखिए बेटा लेट से आई हैव दिस एंगल 45 आई हैव दिस एंगल 70 आई हैव दिस एंगल 110 ओके सो दिस इज 110 दिस इज 45 एंड लेट से आई डोंट नो व्हाट इज दिस एंगल लेट से दिस एंगल इज थीटा सो देयर इज अ प्रॉपर्टी एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल्स टू इट्स सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल दिस इज अनदर मैटर ओके एक्सटर्नल एंगल सॉरी एक्सटीरियर एंगल
is equal to sum of its opposite interior angles. Correct. Interior angles. Now the exterior angle is 110. इंटीरियर एंगल इसके ऑपोजिट में बेटा, इसके ऑपोजिट में ये दो साइड्स आएंगी बेटा, ये साइड आएगी बेटा, सो इसके ऑपोजिट में ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर क्यों कह रहा हूं कि विद इन द सर्कल, विद इन द ट्रायंगल है। इसे एक्सटीरियर क्यों कह रहा हूं, बिकॉज आउटसाइड द ट्रायंगल है। सो 45 प्लस थीटा, सो थीटा कैन बी कैलकुलेटेड 110 माइनस 45 व्हिच इज इक्वल्स टू 65 डिग्रीज। सो दिस इज द अनदर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस एंगल। ओके, note it down fast.